आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, चोरों की मौज बंद पड़ी, कोयला खदानों में खुलेआम हो रही चोरी। छत्तीसगढ़ कोरिया की कोयला खान कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मियों श्रमिकों की मिली भगत से हो रही खुलेआम चोरी। पुलिस का हाल ये है कि टीआई को फोन किया जाता है तो उनका फोन नहीं उठता। टीआई की मिली भगत से चल रहा है धंधा। एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र की एनसीपीएच कोयला खदान में चोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी मात्रा में चोरों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह रात के अंधेरे में खुलेआम ये चोर किस तरह कोयला खदान के कीमती सामान को ले जा रहे हैं, जिनकी संख्या 100 से भी अधिक देखी जा रही है। बार बार चिरमिरी पुलिस को खबर करने के बावजूद भी चोरी थमने का नाम नहीं ले रही है, जबकि जन प्रतिनिधि भी इस चोरी को रोकने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयासरत है, उसके बावजूद भी यह चोरी बंद होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे कोयला खान में काम में आने वाली बहुमूल्य सामान की चोरी जिस हिसाब से की जा रही है, ऐसा लगता है कि खान की बहुमूल्य सामान कुछ ही दिनों में यह चोर चट कर जाएंगे, क्योंकि खान में लगे कुछ सुरक्षा कर्मी की भूमिका भी संदेह के घेरे में नजर आ रही है। कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो चोरों के साथ फोन पर लगे रहते हैं और खदान की वास्तविक स्थिति का विवरण इन्हें देते रहते हैं, जिसके चलते चोरी थम नहीं पा रही है, जो एक ना एक दिन बड़े हादसे का रूप ले सकता है। इस संबंध में कुछ लोगों ने क्षेत्रीय विधायक को इसकी जानकारी से अवगत कराया था, उसके बावजूद भी यहां की पुलिस और अधिकारी चोरी को बंद कराने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। बड़े अधिकारियों ने कान में तेल डाल लिया है। कोयला खदानों में हो रही चोरियों की मुख्य वजह कवाड़ी है। इनकी सैन पर ही ये चोर दिन में और रात में बंद पड़ी खदानों में चोरी कर रहे हैं और वो कवाड़ी इन्हें खुलेआम खरीद रहे हैं। अगर अधिकारी इन कवाड़ियों के यहाँ छापा मारी करें तो सच खुद व खुद सामने आ जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह चोर 315 केवीए के ट्रांसफॉर्मर से भी कर रहे हैं छेड़छाड़, जो देता है पूरी कोयला खदान को बिजली आपूर्ति।